वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है अनार्किज्म। अनार्किज्म का जो वर्ड है वो अनार्किया से आया है, तो इसके मानी क्या है और इसको अलग अलग स्कॉलर ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि अनार्किज्म है क्या, अनार्किज्म वर्ड का मीनिंग क्या है। उसके बाद ये थ्री स्कॉलर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या दे रहे हैं अपने मुताबिक वो बताएंगे, क्योंकि ये जो स्कॉलर है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अनार्किज्म का कंसेप्ट देने में। सबसे पहले है परुधान, दूसरा है मार्केल बेकुनिन, तीसरा है पेटर क्रोपोतकिन। लास्टली हम लोग पढ़ेंगे मेन पॉइंट्स को आप मेन फीचर्स भी कह सकते हैं। तो ये सारा आपको अनार्किज्म में पढ़ना होगा। रियलिटी में मैं कवर कर रही हूँ CBCS सिस्टम जो है, न्यू सिस्टम जो DUCU ने अडेप्ट किया है, उसके मैं सिलेबस को कवर कर रही हूँ। और ये जो है आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के फिफ्थ सेमेस्टर का ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि CBCS सिस्टम वाले जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाएगा, बल्कि दूसरे जो हैं अलग अलग कोर्सेज जो कर रहे हैं उन्हें भी, और इंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह जो होते हैं उनको भी ये बेनिफिट पहुंचाएगा। मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी। स्टार्ट करती हूँ मैं इंट्रोडक्शन से। जो वर्ड अनार्किज्म है वो क्या है कि अनार्किया से आया है, जिसका मीनिंग क्या है, अटर लॉलेसनेस और कंप्लीट डिसऑर्डर और एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स कैसा प्लेस होगा, मतलब कि अगर सोसाइटी है तो उसमें लॉ नहीं होगा और कंप्लीट तौर पे डिसऑर्डर होगा। जब लॉ नहीं होगा तो वहाँ डिसऑर्डर कायम होगा और गवर्नमेंट भी नहीं होंगे, मतलब पीपल्स अपने मर्जी के मुताबिक जिएंगे उस सोसाइटी में। पॉलिटिकल थाट में एक मूवमेंट था अनार्किज्म, वो स्टार्ट हुआ था हाफ ऑफ 19th century में। और इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो अनार्किस्ट जो है वो श्योर थे, यहाँ पे तो क्या बोल रहा है कि लॉलेसनेस है और कंप्लीट डिसऑर्डर और एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन जो अनार्किस्ट थे, अनार्किस्ट मींस अनार्किज्म को जो फॉलो कर रहे थे, उनका ये मानना था कि क्या था कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट नहीं है किसी स्टेट या सोसाइटी में तो वो लाता है कंप्लीट ऑर्डर सोसाइटी में, ऐसा नहीं है कि डिसऑर्डर लाता है। ये था अनार्किस्ट के मुताबिक। लेकिन रियल मीनिंग जो है अनार्किज्म का वो क्या है, अटर लॉलेसनेस एंड कंप्लीट डिसऑर्डर एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। पावर एंड अथॉरिटी जो है स्टेट का वो ऑब्स्टिकल हो जाता है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में, मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल है, अगर उसकी डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट के लिए क्या है, वो खुद अपने मर्जी के मुताबिक जिएगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट के अथॉरिटीज़ के जरिए या स्टेट के पावर के जरिए वो अपने मर्जी को शामिल करेगा या चलाएगा। तो इस तरीके से बोला जाता है या अनार्किस्ट ये मानते हैं कि स्टेट जो होता है, स्टेट का जो पावर और अथॉरिटी है वो एक ऑब्स्टेकल मीन्स एक बोल सकते हैं रुकावट बन जाता है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में। अगर हम लोग इन तीनों स्कॉलर जो फेमस अनार्किस्ट हैं, परुधान, बकुनिन एंड क्रोपोतकिन, ये पढ़ लेंगे तो हमें पूरा जो आइडिया है अनार्किज्म का वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्टिंग वन बाय वन पढ़ेंगे, परुधान से स्टार्ट करते हैं। परुधान जो है फैमिली जो होता है, परुधान का ये मानना है कि परुधान एक स्कॉलर है और उनके मुताबिक वो सोसाइटी के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि फैमिली जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है हर सोसाइटी का। अगर किसी भी सोसाइटी में अगर हम लोग देखेंगे कि उसका बेसिक यूनिट क्या है तो दिखाई पड़ेगा वो फैमिली है। और असेंबली जो होते हैं बहुत सारे फैमिलीज़ के, वही स्टेट को क्रिएट करते हैं। और सभी में हर स्टेज में, मतलब कि सोसाइटी हो या स्टेट का स्टेज हो, तो इस तरीके से क्या हुआ कि हर स्टेज में मैन सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सोसाइटी का हो। तो सोसाइटी में हो तो सोसाइटी जो है वो मस्ट बी बेस्ड होना चाहिए स्मॉल यूनिट्स के ऊपर। ये सब परुधान के मुताबिक है। परुधान का ये कहना है क्या कि सोसाइटी जो होता है उसे स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होना चाहिए। और यही यूनिट्स जो होता है वो एसोसिएट करता है कॉम्यूनस को। और
क्या है, सबसे पहले स्मॉल यूनिट्स होना चाहिए, छोटे छोटे हिस्सों में सोसाइटी जो रहेगा वो डिवाइड रहेगा, और उसके बाद सेकेंड में है कि कॉम्यूनस होना चाहिए, और लास्टली क्या बोल रहे हैं कि ये कॉम्यूनस जो होगा वो एक बिगर फेडरेशन को बनाएगा, और कम्युनिस्ट पावर का जो पोर्शन रहेगा, कुछ हिस्सा जो रहेगा इस कम्युनिस्ट पावर का, वो सेंट्रल अथॉरिटी को दिया जाएगा। तो ये है क्या स्मॉल यूनिट्स, कम्युनिस्ट, ये सब है क्या स्मॉल यूनिट्स, जैसे कि एक सोसाइटी उसको कई हिस्सों में डिवाइड कर दिए तो एक स्मॉल यूनिट्स आ गया, और स्मॉल यूनिट्स जो छोटे छोटे यूनिट्स में जो डिवाइड हो जाएगा सोसाइटी, उसे हम लोग और भी हिस्सों में डिवाइड करें तो उसे क्या होगा, कम्युनिस्ट में तब्दील हो जाएगा, और ये कम्युनिस्ट जो है वो एक बिगर फेडरेशन जो है वो फॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू प्रावधान, और कम्युनिस्ट पावर का जो कुछ पोर्शन होगा, कुछ जो हिस्सा होगा, वो सेंट्रल अथॉरिटी को दे दिया जाएगा। ये प्रावधान के मुताबिक है सोसाइटी का कंसेप्ट। प्रावधान गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं, उनका ये मानना है कि जनरल इंटरेस्ट में गवर्नमेंट जो होता है आम इंटरेस्ट में, जनरल इंटरेस्ट के तौर पे बोलता है क्या कि जनरल इंटरेस्ट को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, कैसे कॉमन पीपल को इस तरीके से क्या करता है वो टैक्स लेता है, जैसे एक्सप्लाइट एंड रिवोक्ड कर देता है। यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि गवर्नमेंट बोलता है क्या कि जनरल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उसे टैक्स लेना पड़ रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या है कि वो लूट रहा है पीपल को, कॉमन पीपल जो होते हैं उसे एक्सप्लाइट कर रहा है और लूट भी रहा है साथ ही साथ। ये प्रावधान के मुताबिक ऐसा कंसेप्ट था गवर्नमेंट का। अगर पीपल जो है वो कंप्लेन करते हैं इसके अगेंस्ट, तो वो क्या होते हैं, हैरेस्ट होते हैं, बीटेन होते हैं और इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि वो हैरेस्ट हो रहे हैं, साथ साथ क्या है उन्हें मतलब मारपीट भी लग रही है, और साथ ही साथ वो जेल में अपने आप को पाते हैं। अगर वो कभी भी कंप्लेन करते हैं, पीपल जो होते हैं आम पीपल, कॉमन पीपल, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चले जाते हैं, तो ये उन्हें ये सब चीज़ फेस करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू प्रावधान। और ये सारी करतूतों के बावजूद, प्रावधान यहाँ पे कहते हैं कि इन सारी करतूतों के बावजूद, मतलब इतना सारा काम कर लेते हैं, वो क्राइम कर लेते हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट क्या क्लेम्स करते हैं कि वो मेंटेन कर रहे हैं, किस चीज़ को, लॉ एंड जस्टिस को वो मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए प्रावधान कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है बजाय एक मजाक के, और इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो एक डिसमेंटल हम कह सकते हैं इस टाइप के गवर्नमेंट को। तो प्रावधान क्या है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, उनका मानना है कि गवर्नमेंट है तो वो हर तरीके से पीपल के लिए नुकसानदही है, ख़राब है, या ऑब्स्टेकल जैसा काम कर रहा है, और इस टाइप के गवर्नमेंट को डिसमेंटल कहते हैं। मार्केल बैकुनिन क्या कहते हैं कि हर स्टेट जो होते हैं वो अपना कंट्रोल रखता है इनोसेंट जो सिटीज़न होते हैं उनके ऊपर, इंटेलिजेंट सिटीज़न के जरिया, मींस इंटेलिजेंट सिटीज़न में जो आ जाएंगे आपके पावरफुल क्लास से जो बिलोंग रखने वाले होंगे सिटीज़न, वो क्या करते हैं हमेशा कमज़ोर जो होते हैं इनोसेंट सिटीज़न, जैसे कि वर्कर वगैरह, उनके ऊपर क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो है वो भी कोई भी डिफरेंसेस नहीं कर सकता इन दोनों के दरमियान, जो इनोसेंट रूल किए जाते हैं इंटेलिजेंट के जरिया, इंटेलिजेंट सिटीजन्स के जरिया। और ये एक धोखा है, ये हॉक्स एक धोखा है, नो कोई स्टेट जो है वो अलाउ नहीं करता है इस टाइप का कि पावर शेयर किया जाए। इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या करते हैं, कंट्रोल्स करते हैं स्टेट को, ताकि क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपना ही पर्पज़ को फुलफिल करना चाहते हैं, अपने पर्पज़ को, अपने मकसद के लिए वो करना चाहते हैं। किसी भी स्टेट को आप देखिएगा तो क्या है, वो इंटरेस्ट ग्रुप ही चला रहे कहीं ना कहीं तरीके से, किसी न किसी तरीके से। तो क्या हो रहा है कि पावरफुल क्लास हमेशा कंट्रोल करते हैं स्टेट को, ताकि उनकी जो पर्पज है वो फुलफिल हो जाए। प्रॉपर्टी ओनर जो होते हैं वो एक्सप्लाइट करते हैं वर्कर के ऊपर, ये एग्जांपल दिया गया कि प्रॉपर्टी ओनर को अगर हम लोग देख ले तो क्या है, वो एक्सप्लाइट करते हैं वर्कर्स के ऊपर, और किस तरीके से वो करते हैं, यहाँ पर स्टेट के हेल्प से करते हैं, मतलब स्टेट जब उन्हें मदद करता है, जो भी अमीर लोग होते हैं अपर क्लासेस, तो वो स्टेट की मदद से वर्कर के ऊपर एक्सप्लाइट करते हैं। और इस तरीके से स्टेट यहाँ पर जो होता है बहुत ही कंडिमेंटल होता है, बहुत ही बुरा भला होता है, सही नहीं होता है। बैकुनिन के मुताबिक, बैकुनिन जो है वो प्रैक्टिकल्स इंस्पायरेटर थे अनार्किस्ट मूवमेंट के, इसलिए वो कहते हैं कि बगैर रेवोल्यूशन के यहाँ पे पीपल को जो है वो क्या है कि आज़ादी नहीं मिल सकती है, इमांसिपेशन मीन्स आज़ादी नहीं मिल सकती है। लास्ट स्कॉलर जो है पेटर क्रोपोतकिन, उनका क्या कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे।
और नेचुरल गोल सोशल एवोल्यूशन, उनका अगर नेचुरल गोल देखेंगे तो क्या है कि सोशल एवोल्यूशन होना चाहिए और इस्टेब्लिश करना चाहिए इक्वलिटी जस्टिस को और सोशल सॉलिडरिटी को। स्टेट जो होता है वो क्या होता है कि हर सोर्स होता है हिंड्रेंस का, रुकावट का वजह बनता है स्टेट। तो देखा जाए तो तीनों स्कॉलर क्या है, अगेंस्ट है, स्टेट के खिलाफ है और गवर्नमेंट के खिलाफ है। स्टेट जो होता है वो प्रेजेंट था प्रिमिटिव टाइम में और उसी टाइम से पेटर क्रोपोटिन का ये कहना है कि उसी टाइम से क्या है इकोनॉमिक फोर्सेस जो होता है वो देखा गया था कि डिवाइड कर दिया तो सोसाइटी को क्लासेस में, और उसी टाइम से ही एंटागोनिज्म चल रहा था उन क्लासेस के दरमियान और इस तरीके से उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट अरोज हुआ। मेन पॉइंट या मेन फीचर्स क्या है, फर्स्ट है इंडिविजुअल जो होता है वो सॉवरेन होता है और सोल डिटरमिनेट होता है हर चीज़ का, मतलब कि इंडिविजुअल जो चीज़ चाहेगा वो डिटरमाइन कर सकता है। इसमें मेन पॉइंट यही था अनार्किज्म में कि इंडिविजुअल अपने मर्जी के मुताबिक जिएगा। इंडिविजुअल जो होता है वो कोऑपरेटिव माइंडेड होता है, ऐसा भी नहीं है कि वो कोऑपरेशन करना नहीं चाहता है, इस टाइप का कुछ कंसेप्ट नहीं दिए हैं ये तीनों स्कॉलर या दूसरे भी अनार्किस्ट के जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर माने जाते हैं वो। मार्क्स और स्टीमर का ये कहना है कि हर पर्सन जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम देना चाहिए, तो जिसमें मतलब बंदिशें न हो, ऐसा फ्रीडम जिसमें कोई बंदिश ना हो, जो चाहे मन वो करेगा पर्सन। तो इस तरीके से मार्क्स एंड स्टीमर का ये कहना था और कहीं ना कहीं ये गलत ही है, क्योंकि अगर अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम भी दिया जाएगा तो वो किसी का ख्याल ही नहीं रखेगा वो इंसान के किसी को उससे दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इस तरीके से वो डेवलप करते हैं इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को। फोर्थ नंबर में है कि स्टेट और मैनिफेस्टेशन जो होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्सिव पावर का होता है एंड वायलेंस का होता है। स्टेट क्या है कि जब बहुत ज़्यादा पावर किसी के पास आ जाता है उसकी वजह से स्टेट की वजूद होती है, ऐसा अनार्किज्म को जो फॉलो करते हैं उनका ये मानना है, और ये वायलेंस का भी वजह है। और सोल अगर इंडिविजुअल जो है वो लिबर्टी और स्टेट के लिए सोल डिटरमिनर माना जाता है, स्टेट जो है वो एनिमी है इंडिविजुअल के प्रोग्रेस में, मतलब कि अगर स्टेट है और गवर्नमेंट है तो इंडिविजुअल का प्रोग्रेस उतना ज़्यादा नहीं होगा। इंडिविजुअल को अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम देना चाहिए, एक ऐसा फ्रीडम जिसमें कोई रुकावट नहीं हो, कोई लॉ लिबर्टी वगैरह नहीं आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा और ये लास्ट था पॉइंट फोर्थ नंबर। और अगर आपको कहीं भी क्वायरीज है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओवरऑल इसमें कुछ कहना नहीं चाह रहा था, इसमें बस ये कहना चाह रहा था कि क्या जितने भी अनार्किज्म थे वो गवर्नमेंट के और स्टेट का जो पावर होता है उसके अगेंस्ट में थे, उनका ये मानना था ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के प्रोग्रेस को रुकावट बन जाता है या रोकता है।